What's up guys? AB Cricket Info भाई लेके आए हैं मजेदार मीम्स और वार्तालाप तो होगी उनकी yes. क्योंकि जो दूसरा मैच हुआ वो भी बड़ा ही मजेदार हो गया। इंडिया की बैटिंग शुरू में डगमगाई लेकिन जो कमबैक किया है तो करते हैं साथ में एंजॉय। बहुत सारी बातें होंगी, मीम्स होंगे मजेदार। 1 2 3 गो। हार्दिक भाई ने भी बहुत अच्छा खेला yes. कमाल की बल्लेबाजी की है। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी लाइक सकते जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को झुक के नमन करता हूँ। मेरा मुर्ग मुसल्लम मेरा 5077 मेरे हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को मैं झुक के नमन करता हूँ। 150-200 से नीचे बात ही नहीं कर रहा स्ट्राइक रेट। एबी क्रिक इन्फो का अन्नदाता विधाता मार्गदर्शक हाँ एबी क्रिक इन्फो की पहले छत से पानी आता था बारिश का, जब से हार्दिक को उस्ताद माना है भाई सच्ची बता रहा हूँ भाई 5-7 फ्लैट ले लिए हैं, एक हेलीकॉप्टर ले लिया है, पर भैंस की आंख चाबी रख के भूल गया हूँ, पता ही नहीं लग पा रहा कहाँ रख दी चाबी की भी। पड़ोसी कह रहे हैं भाई साहब अपना हेलीकॉप्टर हटा लो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे कपड़े सुखाने। मैंने कहा ऊपरी सुखा जाओ कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हेलीकॉप्टर पे सुखा दे। मैंने कहा सुखा दो कोई नहीं। कह रहे सच्चे आप तो दिल के बहुत अच्छे। मैं दिल तुल के कोई अच्छा नहीं, चाबी नहीं मिल रही। कह रहे चलो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल का। फिर आता भाई रियान पराग। रियान पराग आता है, एक्चुअली दी रियान पराग मुझे लगता है बोलना चाहिए है। अगर कहीं तस्वीर है तो मैं थोड़ी तस्वीर निकाल लेता हूँ दी रियान पराग की। ये रही शायद, नहीं नहीं ये तो मतलब ये तो वरुण चक्रवर्ती की है। हाँ नहीं रियान पराग नहीं है इसमें। चले कोई बात नहीं, तस्वीरों पे हम बाद में नजर मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियान पराग ठीक है, अच्छा खेला यार रियान पराग, 6 में 15 कर गया। ऑप्शन था नहीं ना वहां कुछ मार नहीं था, बढ़िया करके गया ना 250 का स्ट्राइक रेट और क्या चाहिए, 2 छक्के मार गया जाते जाते, तो बढ़िया खेला, अच्छा खेला। वो बॉलिंग क्या कराई उसने? हाँ, विकेट नहीं, फिर कहते हो एम्पायर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। यस भाई वो दूसरी पिच पे ही चला गया था दूसरी ऐसे, और उसके बाद एम्पायर चेक कर रहे हैं। अबे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी उस पर, तो सीधा ही काम हो जाना था ना, तो भाई ये हाल है। बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करता रहता है, वो केदार जाधव की याद दिलाता रहता है और कुछ नहीं है भाई। सेलिब्रेशन ऐसे किया उसने, एक विकेट लिया है उसने रियान पराग ने, सेलिब्रेशन ऐसे किया है भाई जैसे कि मतलब सामने रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस दोनों इकट्ठे खड़े थे आगे पीछे और एक ही बॉल पे दोनों को आउट कर दिया। पता क्या है रियानु भाई, देख सुन, देख मेरे छोटे भाई सुन, देख पता क्या है, नहीं अभी नहीं देखिए 2026 में सारी एग्रेशन निकालनी है वर्ल्ड कप जीतने के, ठीक है। और भाई लोगों एक और देखो मजे की बात, ये फेयरलेस इंडिया क्यों लिखा है, ये रिंकू सिंह रेड्डी तो चलो अभी एंट्री हुई है भाई। अब आप मुझे खुद बताओ, ये तो हम वर्ल्ड कप जीत गए, शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है भगवान जी का शुक्र है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का शुक्र है हाँ, जिन्होंने इतनी ऐसी तैसी करवा ली वहां पे, 30 में 30 नहीं बना पाए ये तो वो सच्ची में वो यहां से उभर नहीं पा रहे हैं भाई। हम इंडिया वाले वर्ल्ड कप जीते हैं, हमें तो ही आ रही है, लेकिन तुम उनका दर्द समझो, ये तो शुक्र है हम वर्ल्ड कप जीत गए। नहीं तो तुम खुद बताओ, अब ये रिंकू की ऐसी ऐसी पारियां कितनी चुभनी थी, चुभनी थी, मतलब मार जाते तो समझ नहीं आ रहा होता था कि खुश होए या इस चीज का दुख मनाए कि प्लेयर अच्छा था खेला नहीं वर्ल्ड कप। रिंकू सिंह भाई एक वर्ल्ड कप मतलब अकेले दम पे लेके आएगा, देख लेना तुम, बस याद रखना हाँ, थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना है। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर खड़ा ही रह गया, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली, एक बॉल नहीं खेली वाशिंगटन सुंदर ने। इन्होंने पहले वरुण चक्रवर्ती को भेज दिया, वरुण चक्रवर्ती भी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती को भी माफी चाहूंगा, वरुण चक्रवर्ती को इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था मुझे। इन्होंने पहले सर एलेस्टर चक्रवर्ती को भेज दिया, मतलब मुझे नहीं अच्छा खुद बताना, एक बारी थोड़ी हेल्प करना भाई, वरुण ज्यादा अच्छा बल्लेबाज है कि अर्शदीप बढ़िया बल्लेबाज है? अर्शदीप बेटर है ना भाई, एक बात बताओ, अर्शदीप पिछले 2-3 महीने से ट्राई कर रहा है छक्का मारने के लिए, फाइनली वो बंदा आज छक्का मार गया, अर्शिंदर सिंह धोनी जिसका उस दिन बहुत मजाक भी उड़ा था, हालांकि देखो उस दिन सिंगल ही चाहिए था, सिंगल लेना था। अर्शदीप कह रहा भाई सुनो, मैं जब भी बल्लेबाजी करने जाऊंगा भैंस की आंख, तुम्हें चाहे कुछ चाहिए हो मैं छक्का ही मारूंगा, यहाँ तो भाई मुझे भेजा मत करो, और अगर मुझे भेज रहे हो तो मेरे को यह मत बताया करो कि रिक्वायरमेंट क्या है, अपना भाई अपना छक्का ही सेट बैठता भाई, अपने को वही सूट कर रहा है भाई, बाकी सूट ही नहीं कर रहा। और वैसे भी भाई मैं हमेशा बोलता हूँ देखो पंजाबी आदमी यहाँ तो कुछ करता नहीं है भाई, यहाँ तो कुछ नहीं करेगा, अपना खाली बैठ के एंजॉय करेगा ठीक है, यहाँ भाई फिर सीधा प्रधानमंत्री बन जाता है हाँ, इसके लिए भी तालियां हो जानी चाहिए भाई, मौज मस्ती वाला हिसाब रहता है भाई पंजाबियों का, मतलब समझा करो तुम हाँ, ये थोड़ा रहता है तो बहुत बढ़िया है। मतलब वो फिर वाशिंगटन सुंदर सामने खड़ा है, उधर से वरुण चक्रवर्ती खेल गया, उधर से अर्शदीप खेल के चला गया, भैंस की आंख यहाँ तक की, उधर से आके मयंक यादव भी एक बॉल खेल गया, उसकी बैटिंग है आज बल्लेबाजी सबकी आई है भाई, ये जितने ये वरुण चक्रवर्ती हो गया मयंक यादव हो गया, यार तुम सच बताओ
मयंक यादव ने सपने में भी सोचा होगा कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहा हूं और मुझे पैड की और बैट की जरूरत पड़ेगी। सच्ची बताओ भाई, कसम से यार, कभी सपने में भी सोचा था उसने? उसका भी साफ सफाई करवा दी पैड वैड की, अगर कहीं थोड़ा धूल मिट्टी लगी भी होगी तो, कि चल भाई चल चल साफ हो जाएंगे। ये रिएक्शन थे भाई जब छक्के पड़ रहे थे वहां, जो छक्के वो मार रहा था ना रेडी रेडी भाई, मतलब यार एकदम जिसको कहते हैं ना, मतलब ऑन डिमांड टाइप छक्के लग रहे थे भाई, कोई ऐसा फेयर था ही नहीं कोई भी दिमाग। और ये बहुत अच्छा होता है कई बार झटका, देखो किस्मत कितनी अजीब होती है यार। अगर वहां आउट दे दिया जाता, एम्पायर स्कोल हो गया बच गया, अगर वहां आउट दे दिया जाता, तुम खुद बताओ आज हम रेड्डी के बारे में कह रहे होते भाई दोनों मैचों में फेल हो गया, जैसे हम कह रहे हैं संजू सैमसन के बारे में। अब संजू सैमसन भाई आखिरी तीसरे मैच में भाई ऐसी पारी खेल दे रेड्डी टाइप, गेम फिर पलट जाएगी। तो यही है कहानी, पर सवाल ये नहीं है कि उसको नॉट आउट दिया, सवाल ये है कि नॉट आउट होने के बाद उसने क्या किया, इंटेंट और किस तरह से। वो ये भी तो सोच सकता था ना यार, एक काम करता हूँ अपना 35-36 बोल में भी हाफ सेंचुरी ठीक ही होती है, क्योंकि कहने को ये है ना कि 41 पे 3 आउट हो गए थे, तो वहां से मतलब रिकवर करने में भी तो टाइम लगेगा ना। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, 2.5 ओवर वेट करा, उसके बाद जो कूटा है दोनों ने, कमाल की बल्लेबाजी करी भाई, कमाल की। एक शॉट मुझे सबसे अच्छा लगा था जो इसने मुशफिकर पे मारा है ना, हाँ, सामने क्या नाम है यार, इतना नाम इतने फिज पे, हाँ जो फिज करके है जो, हाँ उस पे जो इसने छक्का मारा ना ये वाला, बिल्कुल क्रीज के अंदर, देखो कितना अंदर खड़ा है, अगर एक स्टेप और पीछे ले लेता ना तो भाई इसने विक्टर से टकरा जाना था। और रिंकू तो भाई गोडा रख के मारता ही बड़ा, रिंकू तो बहुत अच्छा मारता है ये, इसको देखना एक बारी ब्रो को, रिटायरमेंट आ गया शायद से, हाँ, देख लिया लास्ट मैच होगा इसका, ध्यान से देखो एक बारी, जब देख लो बता देना कमेंट में, देख लिया भैया जल्दी देख लो, देख लिया होगा मैं कितना देखे, चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। ब्रो ने रिटायरमेंट ले ली है T20 इंटरनेशनल से, मुझे नहीं समझ में आता, मैंने दोपहर वाली वीडियो में भी जिक्र किया था, क्रिकेट जगत सुना होगा, ओलंपिक्स वाले कह रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर तो हम फिर भी झेल लेंगे जैसे तैसे करके, हाँ मतलब हम भरत जी की रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये वाला घाटा नहीं सहन कर पाएंगे। वो कह रहे हैं महमदुल्ला जी की वजह से ही तो हमने क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके ओलंपिक्स में क्रिकेट लाए थे हम लोग। चलो भाई रिटायरमेंट ले ली भाई, अच्छी बात है ब्रो, अपने सारे शौक पूरे करके जाएगा, कह रहा मैं बॉलिंग भी कराऊंगा, करा ले, मैं नो बॉल भी डालूंगा, डाल ले। ये जो गाना बजा था इंट्रो में घुंगरू वाला, घुंगरू टूट गए बजते साज रुके अपने आगे यहां तख्तो ताज झुके, तख्तो ताज का नहीं पता इसके, घुंगरू तोड़ इसके, मैं सच्ची बता रहा हूं इसने चेक नहीं किए हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसके दोनों घुंगरुओं में से एक घुंगरू पक्का टूटा मिलेगा तेरी। भाई बहुत जोर से लगी है, पब्लिक ज्यादा थी, ग्राउंड भरा हुआ था, इसने जानबूझ के चेक ही नहीं करवाया, और वैसे भी फीजी वहां के भाई अच्छा थोड़ी लगता भाई, यूं हाथ लगा, समझ रहे हो ना तुम, किसका, मयंक यादव का बोल लगा था ना भाई, करेक्ट कर देना मुझे एक बारी, इमेजिन करो भाई मयंक यादव का बोल, पता लगे भैंस की आंख, रात को भी जहां के कपड़े वपड़े बदले पता लगे घुंघरू नहीं मिल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है यार भाई, बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट ऑफ लक बोलो भाई को, सारे जल्दी बोलो बेस्ट ऑफ लक बोलो, देखो बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है ये, आखिरी स्कैट है, सारी टीम आउट हो जाती है पर ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, ये अपना पूरा कीड़ा निकाल के जाता है। अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना ये अपना, अरे अभी वर्ल्ड कप हुआ जो अपना ये साउथ अफ्रीका के साथ, हाँ हाँ ये T20 वर्ल्ड कप, तो सारे आउट हो गए थे, ये नहीं मान रहा था, ये अफ्रीका को लगभग हरा ही दिया था इसने, लेकिन बहुत अच्छा कैच पकड़ा था इसका लॉन्ग ऑन पे एडे भाई ने, माकरम भाई ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। चलो कोई नहीं, इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ज़्यादा नहीं देनी थी, मैं बॉलिंग पे भी आऊँगा, सब चीज़ पे आऊँगा, पहले रिंकू और रेड्डी ने किस किस की खाल उधेड़ी है, हार्दिक पांड्या भी इसमें शामिल है, किस किस की खाल उधेड़ी है सुनो। मेहंदी मिराज 3 ओवरों में 46 ओनली, ये जो थंबनेल पे फोटो देख रहे हो ना, हैरान परेशान लोग, हाँ ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं, एक वो भी है जिसके 24 रन पड़े थे, 26 और पड़े हैं, 46 विकेट नहीं ली, वाइड ओवर फेंक दिए। फिर आता तस्कीन अहमद, तस्कीन अहमद ने बहुत ही, और देखो भाई ये 250 ना हुआ क्यों नहीं हुआ, ये सिर्फ तस्कीन की वजह से नहीं हुआ, 4 ओवरों में 16 रन, सॉरी यार मुझे याद आ गया, एक साउथ इंडियन भाई ने कहा था, भैया जब आप नंबर्स बताते हो ना तो हिंदी के साथ साथ ना आप अंग्रेजी भी बोला करो, हाँ भाई मेहंदी मिराज 3 ओवर 46 रन विकेट 0 ओके,
हाँ तस्किन 4 ओवर 16 रन 2 विकेट 16 रन देके 2 विकेट ली हैं, कोई मतलब बहुत अच्छा स्पेल डाला इसने, बहुत ही बढ़िया मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद दोनों कमेंट्री को इसको विराट कोहली के फैंस ढूंढ रहे हैं, इसको नहीं एक है बदतमीज सा विराट कोहली, आज वो फिर उछला है बहुत ज्यादा, उसने एक्चुअली अभिषेक को आउट किया है और बहुत ज्यादा उछला है, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, करना पड़ेगा इसको सेट कभी, मुझे लग रहा था आज बाकी लोग करेंगे सेट इसको, लेकिन अब मेरे को तसल्ली हो गई है इसको विराट कोहली उधेड़ेगा किस दिन टेस्ट मैच में। अब दिक्कत क्या है, ये आया नहीं यहां पे, नहीं तो देख लेते। तंजिम हसन 4 ओवरों में 50, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, चलिए माइलस्टोन हो गया है, 2 विकेटें 50 रन 2 विकेटें। फिज ने 4 ओवरों में 36 2 विकेट, ये अच्छा बॉल डाला भाई, इसने एक इनका बॉलर है रिशद करके, इसी के पिले थे पहले 24 रन, आई थिंक शुरू में इसी के पड़े हैं सबसे ज्यादा रन, इसका 10वां ओवर था शायद, पहले 10वां ओवर 10वें नंबर का ओवर डाल रहा था ये, 4 ओवरों में 55 3 विकेटें, और ये आखिरी ओवर में विकेटें ले गया, आखिरी ओवर में सिर्फ इसने ये लगा लो 5 और 3 8 सिर्फ 8 रन दिए, वो भी 8 रन में से एक छक्का मार गया आरसीस को, नहीं तो इसने भाई वो भी नहीं दे रहा था ये। फिर आखिरी में एक ओवर उसने वो महमदुल्ला ने भी डाला, क्योंकि ब्रो कह रहा है कि मैं अपने भाई देखो मैं अपने सारे शौक जो है वो पूरे करके जाऊंगा, क्योंकि कल हो ना हो टाइप कहानी है, बाकी अभिषेक के लिए पूरी सपोर्ट है, लड़के का इंटेंट बहुत तगड़ा है, 10 बॉले खेलेगा तुम्हें स्ट्राइक रेट ऊपर ही रखेगा, आज भी ठीक है फेल है, फेल बोल सकते हो तुम किसको फेल हुआ है, ठीक है मेरे हिसाब से एक छक्का कम मार के गया है 11 बॉल में कम से कम 1-2 छक्का बनता है, तो आज एक भी छक्का नहीं मारा है उसने, 15 रन बनाए हैं, 136 का स्ट्राइक रेट है, पर फिर भी करियर का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब बांग्लादेश के बैट्समैन पर तो क्या ही आना, येरा है मदरबोर्ड दादाजी को, येरा इसने विकेट लिया था ना और ऐसे ही चल रहा था, ये बढ़िया था, यस यस ये बढ़िया करा, ये था येरा, पकड़ लिया ये थी मेन हाईलाइट वीडियो की, ये रहा भाई साहब, ओ भाई एक दो और प्लेयरों के लिए भाई ने किया उन्हें आंखें दिखाता है, बढ़िया मजेदार थी वीडियो, और जो भाई ने क्लिप्स को ही जो मीम में बना देता है ना भाई, ये एक टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है कि नॉर्मल पिक्चर्स पे समराइज कराना माहौल और उसको फन वे में बताना, और भाई रेड्डी अगेन तारीफ बनती है, और अच्छा था इसकी वजह से ही ओलंपिक्स वाले की बहुत दुख हुआ है कि रिटायरमेंट ले लिया है उसने, और भैया बांग्लादेश भी लाइक यार हमें क्यों बुलाया, हम अच्छे वो गाने सुन रहे थे उड़ते ही फिरे हवाओं में पाकिस्तान को हरा के, और पाकिस्तान से याद आया, याद तो कुछ नहीं आता पाकिस्तान से, और भाई इनकी तो रैली बना दी, दिखाओ बहुत खतरनाक, तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे तो होश उड़ गए थे, 823 रन पे अब जाके डिक्लेयर करा इन्होंने, 7 विकेट गिरे हैं, वो अब भी डिक्लेयर करा और वो भी डिक्लेयर इसलिए कर क्योंकि इन्होंने सूतम सूट खेला है, सूतम सूट बोले तो इन्होंने मारे हैं दबा के रन बनाए हैं, देख बताऊं क्यों, हैरी ब्रुक ने 317 मार दिए, 262 पे रूट आउट हुआ है, ओ भाई ये टेस्ट मैच देखियो मार दी है ना, हाँ, और बाकी जो है 24 में 31 मार गया वो स्मिथ, और किसी ने मारी है ट्रिपल सेंचुरी, हाँ सहवाग ने मार रखी है 411 ने बना रखी है, हाँ, हाँ। अरे भैया यार इनकी तो धागे से निकाल दिए, ये जो बॉल होगी ना हिस्ट्री में देखी जाएगी कि पाकिस्तान की धरती पर इस बॉल से ये हुआ था, हार गई पाकिस्तान, हार गई मैच मुझे लगता है, क्योंकि डेढ़ मिनट जाके सब उन्हें सिखा के आ रहे हैं पर वो सीख, क्योंकि इनके ऊपर लीड पता है कितनी है, 267 रन की लीड है, पहले तो इनको ये उतारने हैं, इसके बाद जो रन बनाएंगे मान लो 150 ऊपर बनाए तो 150 का टारगेट दे देंगे उसको इंग्लैंड को, इंग्लैंड आएगी बेस बॉल खेलेगी खत्म कर देगी बेचारे सबको, ये उतारने तो पे लगे। मैं ये इनको पैसे भी उतारने हैं, इनको रन लीड भी उतारनी है, और दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि ये तो सोचेंगे ड्रॉ के लिए, जीत का तो सोच ही नहीं सकते, भाई ने सही बोला था पहले, मजा आ गया भैया, मिलते हैं ब्रेक के साथ, बाय टेक केयर।